जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवी सेयर एंड यू आर वाचिंग अलवी लास्ट एसोसिएट्स। हमने पार्ट टू जो है एलएलबी पार्ट टू उसकी लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस भी ख़त्म कर लिया। उसके बाद हमने पेपर नंबर सिक्स जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ उसको स्टार्ट किया था। अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अंदर दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ने हैं। द नंबर वन इज़ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नंबर सेकेंड इज़ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने ख़त्म कर लिया, जिसके मैंने आपको 10 टॉपिक्स जो हैं वो करवाए हैं। सब के सब लेक्चर्स जो हैं वो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं और उनके नोट्स भी मौजूद हैं। आज मैं कॉलेज था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप कह रहे थे कि सर आपने पार्ट टू की तैयारी स्टार्ट करवानी है या नहीं करवानी, तो उन तक आपने जो है ना ये लिंक पहुँचा देना। ये जो हमने दूसरा ग्रुप शुरू किया हुआ है ना, उनको ये नहीं पता था कि इस्लामिक ज्यूरिसप्रूडेंस ख़त्म हो गया हुआ और ब्रिटिश भी ख़त्म हो गया और आज हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करना है। मैं उनको बताया, हैरान हो रहे थे। खैर, उनके साथ शेयर कर दीजिएगा अपनी पूरी क्लास के साथ और उनको जो है पॉजिटिवली जो है कह दीजिएगा कि ग्रुप ज्वाइन कर लें, इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ जाएँ। हम आप में से भी जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, पढ़ना स्टार्ट कर दें ताकि जनवरी फरवरी में आप सिलेबस अपना क्लियर करके बैठे हों। लेटर ऑन हम टेस्ट सीरीज कर लेंगे। माशाल्लाह कुछ बच्चों ने वो जो टेस्ट सबमिट करवाया, चाहे 6 ने करवाया 7 ने करवाया, लेकिन दे आर डूइंग ब्रिलियंट। बढ़ते हैं, आज हमने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने हैं। एक रूट मैप देना है अबाउट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन आपने देखा कि पहले क्वेश्चंस आए आपके पास, देन वो हमने बारी बारी सबको देख लिया, देन टेस्ट भी हो गया। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कौन कौन से जो हैं आपके बन सकते हैं जिनको हमने डिस्कस करना है इस हवाले से। तो अगेन एंड अगेन एक ही चीज़ कहता होता हूँ मैं कि जो भी मेरे नोट्स आप तक पहुँचते हैं उनके रेलेवेंट लेक्चर्स भी मौजूद होते हैं, लिहाजा लेक्चर्स जरूर सुना करें ताकि आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। आज अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है इस हवाले से, वो सेम एज इट इज़ ब्रिटिश वाला। क्वेश्चन ब्रिटिश वाला है, आंसर ब्रिटिश वाला नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अपने सेलियंट फीचर्स हैं, अमेरिकन के कुछ अपने सेलियंट फीचर्स हैं। तो लिहाजा पहला क्वेश्चन है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द सेलियंट फीचर्स ऑफ द US कॉन्स्टिट्यूशन, के जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी खसूसियात क्या हैं, उसके सेलियंट फीचर्स क्या हैं, ये आपने इसमें देखने हैं। अभी से बता दूं आपको कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का 50 नंबर का आता है, 50 नंबर का ब्रिटिश का आता है, तो प्रोबेबली ब्रिटिश का भी सेलियंट फीचर पूछ लेता होता है 20 नंबर का क्वेश्चन, अमेरिकन का भी सेलेंट फीचर पूछ लेता होता है 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अगर दोनों का नहीं पूछेगा तो दोनों में से किसी एक के सेलेंट फीचर्स ज़रूर पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन के सेलेंट फीचर्स ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर सेकंड पे जो इसका क्वेश्चन करना है, राइट अ डिटेल नोट ऑन द हिस्ट्री और द डिवेलपमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इन लास्ट 2 सेंचुरीज। हमने एक एलिमेंट पढ़ा था, एक क्वेश्चन पढ़ा था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में अबाउट सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, और उन सोर्सेज में कन्वेंशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स था। इस अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो कन्वेंशन है ना, ये लीड करता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसमें भी हमने पढ़ना है कि उसकी डिवेलपमेंट में कन्वेंशंस का क्या रोल था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है। नंबर थर्ड में ना, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 2 से 3 तरह के बड़े इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह लें, कंसेप्ट्स कह लें। नंबर वन उनमें से है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे, राइट अ डिटेल नोट ऑन बिल ऑफ राइट्स इन US कॉन्स्टिट्यूशन, यानी US कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट जो है उसका क्या कंसेप्ट है, ये हमने देखना है। नंबर 4 पे, राइट अ डिटेल नोट ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक आपने पढ़ा था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन, जो कि आपने उससे पहले पढ़ा था फिलोसफी ऑफ लॉ में, रूल ऑफ लॉ, ये सब बराबर होंगे, वो फिलोसफी ऑफ लॉ में आपका टॉपिक निकाल दिया गया था, आपके सिलेबस में नहीं था। देन पार्ट टू में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में आप रूल ऑफ लॉ पढ़ लिया आपने, डाइसे का कॉन्सेप्ट था वो। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में उससे ही रेलेवेंट एक कंसेप्ट है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है अंडर UK कॉन्स्टिट्यूशन, हम ये पढ़ेंगे। देन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन इन द US कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में ला के पढ़ेंगे ना इनको, अक्सर बच्चों का ना सवाल होता है, सर हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें आप UK का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें US का क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें स्विट्ज़रलैंड का क्यों पढ़ा रहे हैं, हमें चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा रहे हैं। डिफरेंट तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए जाते हैं, हमें तो पार्ट 1 में 4 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए गए थे,
चाइना का, स्विट्जरलैंड का, यूके का, यूएसए का, ये चारों कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पार्ट वन में थे, ठीक है, जब हमने लॉ पढ़ा था। तो क्वेश्चन हमेशा से ये रहता था कि सर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, रहे तो पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का आइन पढ़ना चाहिए ना। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि इनको पढ़ के आप देखें कि वहाँ का निज़ाम कैसे है और हमारा निज़ाम कैसे है, कंपेयर करें कि उनमें क्या अच्छाइयाँ हैं और हम में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर ठीक नहीं है, क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पर ठीक नहीं है, कंपेरेटिव अनालिसिस करना होता है आपने। तो पहले हमने यूके का पढ़ा, अब यूएसए का पढ़ रहे हैं। यूके में हमने पढ़ा था प्राइम मिनिस्टर, हमारे भी यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर है। पार्लियामेंट्री निज़ाम, यहाँ पे भी क्या है, पार्लियामेंट्री निज़ाम। इधर एक कंसेप्ट है फेडरेशन का, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ फेडरेशन इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा भी मुल्क किस बेस पे है, फेडरल, ठीक है। तो इस तरह रिलेट करेंगे आप चीज़ों को। नंबर सिक्स पे राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ कांग्रेस, इट पावर्स, सॉरी इट्स पावर्स एंड फंक्शंस इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारे यहाँ पे बॉडी है ना लेजिस्लेशन, बाइकैमरल जिसे हम नाम देते हैं, नेशनल असेंबली और सेनेट का, यूके में भी ऐसे ही पड़ा, दो हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। अब अमेरिका में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे कांग्रेस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो कांग्रेस की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये चीज डिस्कस करनी है हमने। देन क्वेश्चन नंबर सेवन है राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ सेनेट, इट्स पावर्स एंड फंक्शंस इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अपर हाउस उनका भी क्या है, सेनेट है, तो सेनेट की क्या पावर्स हैं, क्या फंक्शंस हैं, ये पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर एट कहता है राइट अ डिटेल नोट ऑन द थ्योरी ऑफ चेक एंड बैलेंस इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। आज कॉलेज में जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जनरल डिस्कशन, जिसमें चेयरमैन सेठ लॉ कॉलेज चौधरी लियाकत साहब आपसे मुखातिब थे, उसमें आपको लॉ का और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो फ़र्क बता रहे थे। तो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में फ़र्क बताते हुए कॉन्स्टिट्यूशन किन तीन अदारों को डील करता है, वो अदारे बताए थे उन्होंने, लेजिस्लेशन है, एग्जेक्टिव एंड जुडिशरी है। तो जुडिशरी को बताते हुए उन्होंने क्या कहा था कि ये चेक एंड बैलेंस के तौर पे काम करती है, एक बैलेंसिंग व्हील के तौर पे उन्होंने डिस्कस किया था कि ये क्या करती है कि एग्जेक्टिव ब्रांच को और लेजिस्लेशन ब्रांच को देखती है कि कोई अगर अपने रास्ते से हटता है तो चेक एंड बैलेंस के तौर पर। तो चेक एंड बैलेंस क्या है, इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स और चेक एंड बैलेंस, ये दो कंसेप्ट हैं कि हर अदारा जो है वो अपनी लिमिट में रह के काम करेगा। एग्जेक्टिव का जो काम है वो करेगी, लेजिस्लेशन का जो काम है वो करेगी, और जुडिशरी का जो काम है वो करेगी। तो ये जो कंसेप्ट है चेक एंड बैलेंस का इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इससे वेरी नेक्स्ट टॉपिक वही सेपरेशन ऑफ पावर वाला आ गया। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब हर अदारा डिफरेंट है, उसकी पावर्स भी डिफरेंट हैं, और वो अपनी लिमिट में रह के अपनी पावर्स एक्सरसाइज करेगा, उससे बियॉन्ड नहीं जाएगा। फिर पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री निज़ाम है, यूके के अंदर पार्लियामेंट्री निज़ाम है, इसलिए हम प्राइम मिनिस्टर को जो है देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर के फंक्शंस क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स क्या हैं। यूके का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसमें प्राइम मिनिस्टर पे एक लॉन्ग तैयार किया था हमने, हमने कहा था प्राइम मिनिस्टर इज अ मून अमंग द स्टार्स, कि वो सितारों के दरमियान एक मून की तरह है। फिर हम देखा था प्राइम मिनिस्टर इज द कैप्टन ऑफ द शिप ऑफ द स्टेट, कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो स्टेट अगर कोई शिप है तो उसका कैप्टन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। इसी तरह जब यूएस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो उनका प्रेसिडेंशियल निज़ाम है, तो जब प्रेसिडेंशियल निज़ाम है तो हम किसको पढ़ेंगे, प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे कि प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं और उसके फंक्शंस क्या हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट अ डिटेल नोट ऑन द अमेंडमेंट प्रोसीजर इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब विद द चेंजिंग नीड ऑफ द सोसाइटी आपके आइन को भी तब्दील होने की जरूरत हो सकती है, तो उसको अमेंड कैसे करना है, उसमें अगर कोई चेंजिंग चाहिए या कोई नई तरमीम चाहिए तो कैसे लेके आनी है, वो एक प्रोसीजर होगा, एक ज़ाबता बताया होगा कि ये चीज़ें फॉलो करनी है, देन अमेंड हो सकता है, ऐसे अमेंड नहीं होगा। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। बट एट द एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता राइट अ डिटेल नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू क्या है, इट्स ओरिजिन, ये शुरू कहाँ से हुआ, स्कोप एंड लिमिटेशंस। इसमें ना दो केसेस बड़े फेमस होते हैं इनके, मेडिसन वर्सेस नाम नहीं आ रहा केस लॉ का मेरे माइंड में, लेकिन जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो डिटेल में कर लेंगे। मारबरे वर्सेस मेडिसन, बड़ी साहब द ग्रेट मैन, उन्होंने हमें बताया, असिस्ट किया है। तो ये 12 टॉपिक्स हैं जो कि हमने यूके कॉन्स्टिट्यूशन में, सॉरी यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल ये होता है कि हम कोई शॉर्टकट लगा रहे हैं या जो है ना
आसान रास्ते निकाल के तो जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अपनी आउटलाइन सामने रखें जो आपको दी गई है कि आपने पढ़ना है, उस आउटलाइन के टॉपिक देख लें कितने हैं, और अगर हमारे ये क्वेश्चंस उन टॉपिक्स को क्लियर नहीं कर रहे तो आप मुझे बता दें, ठीक है। हमने आपकी आउटलाइन भी क्लियर करवानी है, जितना सिलेबस है वो भी क्लियर करवाना है, लेकिन इस तरीके से करवाना है कि आप पे बोझ ना बने। वो हमें पता है फिर कि कैसे उनको 10 क्वेश्चंस तक लिमिट करना है या 12 तक करना है, जिनको आप आसानी से तैयार कर लें, ठीक है। तो जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, फर्स्ट हाफ टेस्ट हुआ 5 से 6 क्वेश्चंस का, देन फुल बुक का हो गया। इसी तरह यूएस कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ करिएगा, 5 से 6 का फर्स्ट हाफ ले लेंगे, देन इसका फुल ले लेंगे। इंशाल्लाह विद इन 1 or 2 वीक्स हमारा दूसरा सब्जेक्ट भी ख़त्म हो जाएगा। जिनको अभी भी शर्म नहीं आई है, सॉरी टू से, जिन्होंने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ द पीक टाइम। अपना सिलेबस ख़त्म करें जनवरी फरवरी तक, उसके बाद एग्ज़ाम्स तक स्किल सीखें, 5 से 6 महीने रिलैक्स होकर कोई ना कोई स्किल पे काम करें, कोई अडोब फोटोशूट सीख लें। मैं यहाँ पे लाइव बैठ के कह रहा हूँ कि बार्बर कटिंग का काम सीख लें, प्लम्बरी का सीख लें, इलेक्ट्रिशियन का सीख लें, कोई स्किल सीखें। मकसद क्या है मैं आपको बताता हूँ। लास्ट स्टूडेंट्स माइट भी अब हंस रहे हो मेरे पे, लेकिन एट दी एंड ला पास करने के बाद आपकी कोशिश होती है कि हम बाहर जाएं, तो जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे स्किल की बड़ी डिमांड है। कोई स्किल सीख लें यार, बाहर जाएगा वैसे भी काम करना, डिलीवरी कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, भाई यही करते हैं सारे स्टूडेंट, चाहे इंजीनियर जाए, चाहे डॉक्टर जाए, चाहे कोई भी। तो स्किल सीखें, स्किल पे वर्किंग करें, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो कल कला जब आप जाते हैं तो फिर आपको स्किल जो है ना फेवरेबल रहती है, और वीज़े में भी आपकी आसानी होती है, स्किल बेसिस पे आप निकल जाते हैं, ये उसको मामला तो होते हैं। तो मेरा काम है आपको गाइड करना, आप उसको सीरियस लेते हैं या मजाक में उड़ा देते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने फर्स्ट लेक्चर के साथ ऑन सेल्विन फीचर्स ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन टुमारो इंशाल्लाह। तब तक स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।